खरगोन जिले में देवी रुक्मणी ग्रुप के स्कूली विद्यार्थियों ने सैकड़ों की तादाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली और लोगों को प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों की मुंढेर पर तिरंगा झंडा लगाना जरूरी है। इसी को लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए गौरव यात्रा निकाली गई और लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान ग्रुप की शालिनी रतोरिया ने बताया, देश के लिए जान न्यौछावर करके सैनिक और खिलाड़ी जिस प्रकार अपनी जी जान लगा देते हैं, ऐसे में लोगों को संदेश देने के लिए गौरव रैली निकाली। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यात्रा को लेकर आज स्कूली बच्चों के साथ एक विशेष अभियान चलाया है और बच्चे भी सज धज कर यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह का अभियान चलाते हैं? हम गर्व से कहते हैं कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में हमने आज भारत की गौरव यात्रा निकाली है। भारत के जो खिलाड़ी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक परचम लहरा रहे हैं, उन सभी को इसके साथ साथ देश के बलिदानियों को इस झांकी में विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया है और इस अमृत महोत्सव में हर घर में ये संदेश दिया है कि हम सब इस तिरंगे के तले खुश हैं, खुशहाल हैं और यह तिरंगा अब हर घर हम लहराएंगे। प्रमुख मार्गों से हमने ये जो रैली निकाली है, इसका एक ही संदेश है कि हर घर तिरंगा लगे। और आज अच्छी बात ये रही कि समाज ने बड़े स्तर पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया, उनका मनोबल बढ़ाया, तो ये बात यह सिद्ध करती है कि हर भारतवासी वासी का समर्पण इस भारत देश के लिए है और हम सभी तिरंगा लहराएंगे। डॉक्टर शालिनी रतोरिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।